एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू की टीम को अपर आरटीओ बैरियर स्वारघाट के पास नाके के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने दिल्ली से मनाली जा रही यूपी नंबर एक वॉल्वो बस में सवार यूपी के युवक 148 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। एएनटीएफ टीम ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और आगामी कार्रवाई हेतु पुलिस थाना स्वारघाट की टीम को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने अपर आरटीओ बैरियर स्वारघाट के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान टीम ने दिल्ली से मनाली की तरफ जा रही वॉल्वो बस नंबर यूपी 32PN8107 को रोका तो बस में सवार एक व्यक्ति घबरा गया, जिसकी तलाशी लेने पर 148 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसी दौरान दूसरे मामले में बिलासपुर की पुलिस टीम ने छडोल के पास तीन व्यक्तियों से 165 ग्राम चरस बरामद किया है और तीसरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर की एसआईयू टीम ने जुखाला के गसोड़ के पास नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति के घर व खेतों पर छापेमारी करके जिसमें व्यक्ति के घर से एसआईयू टीम को 6.74 ग्राम चिट्टा तथा 16,700 रुपये की नकदी बरामद की। आरोपी के घर पर पुलिस टीम की छापेमारी जारी है। अभी इंटरवीनिंग नाइट को ही एक हमारे स्वारघाट एरिया में एएनटीएफ की टीम जो है वो गश्त पर थी, चेकिंग पर थी, तो उन्होंने भी चेकिंग के दौरान जो है वो वॉल्वो बस में बैठे एक व्यक्ति से जो है वो 148 ग्राम जो चिट्टा बरामद किया गया है। इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ जो पुलिस थाना स्वारघाट में जो मामला दर्ज कर लिया गया है सेक्शन 21 के तहत। और इसके अलावा अभी हाल ही में हमारी जो बिलासपुर की जो एसआईयू टीम है उन्होंने भी सूचना के आधार पर जो उन्हें सूचना थी मुखरखा से कि जुखाड़ा में एक गसौड़ जगह है, वहाँ पर जो नागेश्वर नाम का व्यक्ति जो है वो काफ़ी टाइम से जो चिट्टे का धंधा कर रहा है तथा अपने खेतों में घर के आसपास जो चिट्टा छुपाए रखता है वहीं से जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो हमारी जो एसआईयू की टीम ने जो पूरी टीम ने महिला अधिकारियों के साथ जो वहाँ पर रेड की है। रेड के दौरान अभी तक जो हमारे पास 6.74 ग्राम चिट्टा और 16,700 रुपये का करेंसी नोट और एक वेइंग मशीन जो वो वहाँ से बरामद हो चुकी है। अभी भी इसकी जो रेड है वो जारी है और ये जो आरोपी है नागेश्वर इसको भी डिटेल कर लिया गया है। तो ये अभी ये सर्च चली है, आगे फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जा रही है। देखिए सर, ये नशे के रिगार्डिंग जो हमारे माननीय एसपी साहब के अगुवाई में जो है वो उनके दिशा निर्देशों अनुसार जो है वो जो नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को पकड़ने के लिए और इसके जो आरोपी गण हैं उनको सलाखों के पीछे धकेलने के लिए जो है जिला बिलासपुर पुलिस की टीम जो है वो लगातार जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है तथा लोगों का इसमें जो हमें सहयोग मिल रहा है। जो इसी कड़ी में जो पिछले कल भी हमारे पुलिस स्टेशन सदर की एक टीम है हेड कॉन्स्टेबल चमन की अगुवाई में जो वो छड़ौल के पास नाकाबंदी पर मुस्तैद थी तो एक स्विफ्ट गाड़ी को जो टेम्परेज नंबर का था उसको रोका गया। तो रोकने के दौरान जो वो इसमें तीन आदमी बैठे होते, तीन जब जैसे ही सर्च करना शुरू किए तो तीन में से एक आदमी जो भाग गया, दो आदमी जो पुलिस ने डिटेन किया तथा सर्च के दौरान जो इस गाड़ी से जो 165 ग्राम चरस जो बरामद हुई है। जो दो आदमी है उनको उनके खिलाफ जो पुलिस उनके भी और वो जो भागा है उसके खिलाफ भी जो पुलिस थाना सदर में मामला एनडीपीएस की धारा 20 के तहत जो दर्ज कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आज इनको जो माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।